नमस्कार। दिव्यांगता की 21 श्रेणी हो गई है और उसमें एक है स्वलीनता या ऑटिज्म। ऑटिज्म की विशेषता यह है कि उसमें एक तरह की तकलीफ नहीं होती, उसमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हो सकता है कि बच्चा चलना फिरना ना सीख रहा हो सकता है बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज हो सकता है बच्चा बात ना करे, हो सकता है कि बच्चा पढ़ना लिखना ना सीखे, हो सकता है बच्चे को खाने में दिक्कतें हो सकता है मानसिक तौर से बच्चा कमजोर हो इसलिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े, हो सकता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े। तो ऐसे कई चीजों की जरूरत पड़ती है उसे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ डेवलपमेंटली डिलेड बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिनका की सर्वांगीण विकास कम रहता है उनको ध्यान में रखते हुए एक विशेष तरह का थेरेपी मॉडल बताया गया जिसे कि हम ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल बोलते हैं। तीन मोटे मोटे तरह के हो गए थेरेपी मॉडल। पहला डिसिप्लिनरी मॉडल जहां की माँ और बच्चा एक ही व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, एडुकेटर हो या थेरेपिस्ट हो, और वापस आते हैं। दूसरा मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल जहां माँ बच्चा एक ही थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि उन्हें देखता है, काउंसलिंग करता है, और फिर ये जितने भी डॉक्टरों के पास गए वो सब मिलकर बात करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और बच्चे का थेरेपी करते हैं। ये दूसरा हो गया आपका मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल। और तीसरा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल, जहां की ये जितने भी थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर हैं ये एक दूसरे को इतना तैयार करते हैं कि एक हद तक बेसिक जो जरूरत होती है उसे ये हर व्यक्ति अकेले स्वतंत्र कर ले, लेकिन जहां जरूरत पर पड़े उन्हें किसी कंसल्टेंसी की वो दे सके या ले सके बाकी के लोगों से। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर तैयार किए जाने की आवश्यकता है, खास करके डेफ ब्लाइंड, ऑटिज्म, डेवलपमेंटली डिलेड बच्चों के थेरेपी के लिए या उनके होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन के लिए। अब ये ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ये है कि अगर कुछ लोग सीख जाते हैं, स्पेशल एडुकेटर ये सीख गया कि स्पीच थेरेपी कैसे करना है, या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सीख जाता है कि ऑक्यूपेशन थेरेपी कैसे करना है, या ऑक्यूपेशन जाता है कि ओटीपीडी कैसे करना है, तो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति अपना काम छोड़ ज्यादा ध्यान दे दे किसी दूसरे के डिसिप्लिन के ऊपर। इसलिए कई लोग ये सिखाने को तैयार नहीं होते। और सफरर कौन है, दिक्कतें सबसे ज्यादा किसको होती है, जो ग्राहक है या जो बच्चा जिसे ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या डेफ ब्लाइंड है, जो कि एक तरह के थेरेपिस्ट से काबू में नहीं आएगा। तो क्या ट्रांसडिसिप्लिनरी मोड ऑफ थेरेपी पहले कभी लागू हुई है या ऐसा चलन में है, तो इसी संदर्भ में सुनते हैं आज माँ दुर्गा की कहानी। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा, जिन्होंने मैसूर में महिषासुर का नाश किया था। मैसूर महिषासुर का राज हुआ करता था। कहते हैं कि द्वापर युग में महिषासुर ने ब्रह्मा से, विष्णु से वरदान मिला उन्हें और वो उत्पात मचाना शुरू हुए। योग भ्रष्ट होना राक्षसों की प्रकृति रही है और प्रवृत्ति रही है। तो जब वो योग भ्रष्ट हुए और उत्पात मचाया उन्होंने हर जगह, तो अब विष्णु जब युद्ध करने आते, इंद्र जब वज्र चलाते या शिवजी जब आते, तीनों अकेले अकेले संभाल न पाते क्योंकि उसके पास क्षमताएं इतनी हो गई थी। अब सारी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आए और कहा कि भाई कुछ तैयार करो, कुछ उपाय बताओ ताकि महिषासुर से हमारी मुक्ति हो सके। तो हर देवता ने अपनी अपनी शक्ति दी। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति दी, विष्णु जी ने अपनी शक्ति दी, इंद्र ने अपनी शक्ति दी, रुद्र ने अपनी शक्ति दी, हर किसी ने अपनी शक्ति दी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्ति को विशेष इकट्ठा किया और तैयार किया माँ दुर्गा को। तो माँ दुर्गा ऐसी थी जिनके पास आप देख सकते हैं कि अलग अलग अस्त्र शस्त्र और क्षमताएं अलग अलग देवताओं से मिली हुई हैं। चक्र विष्णु का मिला हुआ है, त्रिशूल शिवजी का मिला हुआ होगा, धनुष किसी और का मिला हुआ होगा। इस तरह अलग अलग लोगों ने, अलग अलग देवताओं ने माँ दुर्गा को तैयार किया अपनी कुछ कुछ शक्तियों को देकर। और हम जानते हैं कि माँ दुर्गा जब महिषासुर के पास गई तो पहले वो हाथी का रूप लेता है, फिर सिंह का रूप लेता है, फिर महिष का रूप लेता है या भैंस का रूप लेता है, और फिर माँ दुर्गा ही विनाश करती है महिषासुर का। वो मेरे हिसाब से पहली ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर थी जिनको कि हर एक देवता ने अपनी कुछ कुछ शक्तियां देकर तैयार किया था ताकि वो महिषासुर जैसे एक नई घटना का सामना कर सके जिसके पास
अनेक तरह की शक्तियां हैं और जो किसी एक देवता के काबू करने पर काबू नहीं हो रहा था, वैसे ही है हमारा ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर, जो कि क्षमताएं तो थोड़ी थोड़ी हर किसी की जानता है, ताकि वो एक विशेष तरह की परिस्थिति का सामना कर सके, चाहे वो डेवलपमेंटली डिलेड हो, ऑटिज्म हो या डेफ ब्लाइंड हो। लेकिन कभी भी ये ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर किसी भी दूसरे एक देवता को रिप्लेस या बदल नहीं देता, ये उसकी खासियत होती है, ना ही वो या उसके होने से बाकी किसी की क्षमताओं में या इम्पोर्टेंस में, महत्व में किसी तरह की कमी आती है। तो ये रहा ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड ऑफ थेरेपी, जहाँ की एक व्यक्ति बाकी के प्रोफेशनल्स से तैयार किया जाता है, ताकि वो असेसमेंट और थेरेपी अकेले कर सके बाकियों के गाइडेंस में, ताकि माँ का समय बचे, ताकत बचे और होलिस्टिकली या संपूर्ण रूप से, सम्यक रूप से उस थेरेपी को किया जा सके, जिसमें कि ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, लिटरेसी, फीडिंग, बिहेवियर सारे के सारे कवर हो सके। ये काम आसान नहीं है, इसके अलग अलग 9 स्टेजेस हैं और बाकायदा ट्रेन किया जाता है एक दूसरे को ट्रांस डिसिप्लिनरी वर्कर बनने के लिए। तो ना ये आसान है और ना ही ये कहा जाता है कि हाँ मैं स्पीच थेरेपिस्ट कर सकता हूँ और अब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के प्रोफेशंस को, व्यवसाय को बाइज़त देखें और तैयारी रखें ट्रांस डिसिप्लिनरी वर्कर बनने की। इससे कन्फ्यूजन कम होगा क्लाइंट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।